नमस्कार, जय श्री एलसी, कैसे हो? तो गुरु नीति का फिजिक्स का सेकंड वीडियो और वैसे गुरु नीति का पांचवा वीडियो हम शूट करने जा रहे हैं, आपके लिए अपलोडिंग करने जा रहे हैं। 26 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, फिजिक्स का वीडियो आया, जूलॉजी का वीडियो आया, 27 तारीख को केमिस्ट्री का वीडियो आया, बोटनी का वीडियो आया, ये वीडियो 28 अक्टूबर का आपके लिए शूट होने जा रहा है। मेरे साथ मेरा किशोर, मेरा स्टूडेंट भी है, मेरी फैकल्टी भी है। आज हम दोनों गुरु शिष्य पिता पुत्र मिलके फिर से आपके लिए दोस्तों वेक्टर, किशोर भाई, हाँ, वेक्टर का टॉपिक आज आप लेके आए हैं। इसमें 29 क्वेश्चन हम आपको देंगे और उम्मीद रखते हैं कि पूरा वेक्टर हम इसमें कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, शुरू करें जी, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, एक वेक्टर है 2i + 4j - 5k, द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द वेक्टर ए आर। दोस्तों ये कहता है कि ए जो वेक्टर है इसके कोसाइंस क्या है? कोसाइंस का मतलब है x अक्ष के साथ कोण, क्यों y के साथ कोण और z के साथ कोण। तो एक बात सुनो, सबसे पहले इसका कॉमन है x अक्ष के साथ के कोण को अल्फा कह देते हैं, अल्फा y को बीटा कह देते हैं और z को गामा कह देते हैं। तो एक तो दोस्तों यहां फॉर्मूला बनता है, याद रखो, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये ध्यान दे, कोई भी वेक्टर है तो अल्फा का मतलब है उस वेक्टर का एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, ये वाई अक्ष के साथ बनाया गया कोण, ये जेड के साथ बनाया कोण। अब यदि आप इसको साइन में चेंज करना चाहो तो देखो ये क्या आएगा, वन, देखो जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर गामा, इधर तीन हो जाएंगे, तीन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, दो। तो एक फॉर्मूला ऐसा बन जाता है इसका, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा किशोर, टू टू। वापिस आऊंगा मैं स्टूडेंट पर, किशोर रिपोर्ट करूंगा। तो ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन पे आए, तो इसका सीधा सीधा तरीका है कि ऐसे न्यूमेरिकल में, अब मेरे साथ बोले भैया, ऐसे प्रश्न में सबसे पहले उत्तर क्या करें, अपन इसका रिजल्टेंट निकाल लें, इसका परिमाण निकाल लें। तो आप सब जानते हो किसी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, एक्स का गुण मल्टीपल स्क्वायर वाई का स्क्वायर और ये फाइव का स्क्वायर, तो कितना हुआ, जब जोड़े ये 45 हो गया, सीधा कर दे, 4, 16, 25, यानी ये जो वेक्टर है इसका जो परिमाण है, इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना है, √45। ओके, अब आपको इसका एंगल निकालना है एक्स एक्स के साथ वाई एक्स के साथ, तो इसका तरीका होगा कोस अल्फा जो है वो क्या होगा, इसका जो ए एक्स कंपोनेंट है वो अपॉन ए का रिजल्टेंट, बोलो हाँ ना, यस यस। तरीका ए एक्स एक्स का है तो एक्स का कंपोनेंट किसका डिवाइड करो, रिजल्टेंट का, वाई का निकालना हो तो वाई कंपोनेंट किससे डिवाइड करोगे, रिजल्टेंट से, बस। तो दो को डिवाइड कर दे √45 से, 4 को कर दे √45 से, -5 को कर दे √45। बहुत इजी क्वेश्चन है बट नीट में आता है, जल्दीबाजी नहीं। एक वेक्टर दिया अगले ने, सबसे पहले क्या निकाला इसका, रिजल्टेंट, मैं समझा दिया, एक्स एक्स के साथ वाई के साथ जेड के साथ क्रम से फिक्स है, रेस्पेक्टिवली अल्फा बीटा गामा एंगल बनती है, फिक्स है, आप मेरे हाथ में नहीं है, ये स्टैंडर्ड बुक्स होती है। कोस अल्फा का मतलब ए एक्स अपॉन ए, कोस बीटा का मतलब ए वाई अपॉन ए, और कोस गामा का मतलब ए जेड अपॉन जेड, नॉट ए रिजल्टेंट ऑफ ए। ओके, तो आपके सामने 2 डिवाइड किससे हो गया, 45 से, 4 किससे हो गया, 45 से, -5 किससे हो गया, 45 से, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार पेज खाली करना थोड़ा सा इसका। एक दोस्तों आप सब जानते हो कि माना कोई एक वेक्टर है, वो माना a1 i कैप है, a2 j कैप है, a3 k कैप है, हम सब जानते हैं इसका जो रिजल्टेंट निकलता है वो इसके, क्यों, क्या करेंगे किशोर भाई, इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर, ये वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाता है। Am I right? एक क्वेश्चन पूरा हो गया। चलो भैया अब अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सदिश वेक्टर ai + j है, एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण क्या है। देखो डियर, आपको यहां एक्स एक्स के साथ कोण चाहिए। देखो मैं एक बात करना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक से बाहर लेके आता हूं। देखो डियर, ग्राफ पेपर आपके पढ़े हुए हैं क्या, बोलो हाँ या ना, बोलो, ग्राफ पढ़े हुए हैं ना, ग्राफ पेपर और वेक्टर एक ही चीज है। जैसे आप कहते हो
कि कोई बिंदु ए है उसके कोऑर्डिनेट्स पूछ करो 2.3 है। इसका मतलब है एक्स एक्स पे 2 चलो, वाई पे 3 चलो, और दोस्तों ये जो पॉइंट आपका है ये पॉइंट हो गया, ये इसकी लोकेशन है। ध्यान चाहो क्लास का, यदि किसी बिंदु की स्थिति 2.3 है, 2.3 है, इसका मतलब एक्स एक्स पे 2 चलना है, वाई पे 3 चलना है, ये दूरी 2 हो गई, ये दूरी 3 हो गई, और दोस्तों ये तो आप 2-3 की बजाय ऐसा करो, आप इसको 3.4 बोल दो, आप इसको 3.4 बोल दो, तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो मैं थोड़ा सा आपके मिटा के दोबारा कर दूं ताकि आपको इसमें कंफर्ट रहे कि माना ये कोई डेटा है, इधर दोस्तों माना कि 3 है और इधर माना कि 4 है, तो ये 5 हो गया और ये कोण थीटा, ये एक्स एक्स का कोण है, डांचा क्लास का एक्स एक्स का कोण है, ये वाई एक्स का कोण है, और ऐसे 3D हो जाएगा, तो किसके साथ हो जाएगा, जेड एक्स कोण हो जाएगा। तो हकीकत में कुछ नहीं है, 2.3 को ही ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सॉरी 2.3 को चेंज कर दिया 3.3 में, तो ये दोस्तों आपका हो गया 3i.4j। बहुत प्यारी बात कर रहा हूं, आप इसको ग्राफ में 3.4 कहते हैं, यदि आप उसको वेक्टर में ले आते हैं तो एक्स के साथ आई से मल्टीप्लाई कर दो, वाई के साथ जे से मल्टीप्लाई कर दो, जेड होता तो के से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स होता तो माइनस आई से कर दो, माइनस वाई होता तो माइनस जे से कर दो, माइनस जेड होता तो माइनस के से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके सामने इसकी लोकेशन बन जाती है। तो 13 प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न का मतलब है बेटा जी आई कैप जे कैप का मतलब है, ये प्रश्न है 1.1, ये मेरा बहुत बड़ा तरीका है, 1.1 का मतलब ये है कि ये कोई वेक्टर है, इसकी दोस्तों ये डिस्टेंस भी एक है, ये डिस्टेंस भी एक है, ये कितना हो गया √2। तेरा अगला क्या कहता है, अक्ष अक्ष से बनाया गया कोण, ये ना ये कोण है, ये निकालना है ना, तो ये कोण क्या हो गया, तू एक काम कर, तू बोल इस कोण को 10 थीटा, तो क्या बोलेगा 1/1 कितना हो गया 45, तो इसको बोल cos थीटा तो 1/√2 कितना हुआ 45, इसको तो बोल साइन थीटा तो 1/√2 कितना हुआ 45। बोलो किशोर, यस आंसर क्या होगा 45 है ना, काम की चीज, एक सदिश है आई कैप जे, जो किशोर आई कैप आई प्लस जे, इसका मतलब ये 1.1 है, 1.1 का मतलब एक्स एक्स पे भी एक है, वाई पे भी एक है, ये √2 हो गया। अगला साफ कहता है एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण, तो आपके सामने है, आप इसको cos थीटा में बना बोल सकते हो, साइन थीटा बोल सकते हो, टेन थीटा बोल सकते हो, सब आंसर क्या आएगा 45 डिग्री आएगा। आगे चले, बिल्कुल चलो दोस्तों, फिर आ गया वो कहता कोई सदिश है 3i + 4k कैप, वाई एक्स पे प्रक्षेप क्या है, ओ बच्चे इसका तो है 3.0.4, यहां जे नहीं है ना, तो आप जानते हो 3D हो गई है, देखो अकेला है तो 1D, दो है तो 2D, और तीन हो तो 3D, तो यहां तीसरा है ही नहीं, तो दोस्तों आप देखो एक्स एक्स पे क्या है 3, जेड पे क्या है 4, वाई पे क्या है 0, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया आपका 0। वैसे ही जो प्रक्षेप जो है वो ज्यादा कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल घटक है, घटक तरह सिर्फ ये, इसलिए इसमें जे पे तो कोई घटक है नहीं, तो 0 आंसर आ जाएगा। देखो मैं इसको किशोर मेरे हिसाब से एक बात, मैं इसको हमेशा ग्राफ में लेके आ जाता हूँ, बिल्कुल, कि भाई आप इसको ग्राफ में 3.0.4 कर लो, इसका मतलब कि एक्स एक्स पे आप कितने हो 3, वाई पे कितने हो 0, जेड पे कितने हो 4, और जेड होता वाई पे होता तो वाई आ जाता है। बच्चों बात पकड़ पा रही है क्या, आप सदिश के चक्कर मत पड़ो, आप तो सिंपल ग्राफ पेपर मान लो, एक्स एक्स भी है वाई, अब ग्राफ क्या 2D होता है, इसमें आप 3D भी कर सकते हैं, आपको पड़ता है तो 3D कर लो, i, j, k, जैसा 2D पढ़ेंगे वैसा आपका 3D हो जाएगा। आगे चलो, चलो आगे देखो भाई, 20 मीटर/सेकंड की चाल से नॉर्थ की ओर गति करता हुआ ट्रक पश्चिम की ओर मुड़ता है, उसी चाल से गति करता है, इसके वेग में पर, ये मेरा प्रिय क्वेश्चन है भाई किशोर, ये आपके टाइम से पढ़ाता आ रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो डियर, एक साफ कहता है इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको ऐसा ग्राफ बनाना होगा, मतलब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तेरा कोण है आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे जे कैप और माइनस जे कैप, साफ पता बच्चा मेरे, जैसे जैसे अगला कहता वैसे वैसे कर ले। अगला कहता कि वेग में चेंज क्या है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगला चेंज पूछता है, तो मेरा तो मास्टर फंडा है चेंज का मतलब, मैं तो ऐसे बोलता हूं हमेशा ही फाइनल माइनस इनिशियल। भैया इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो तरीके हैं,
7000 मिले। एक ट्रक ट्रेवलिंग कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड वेस्ट में, दोस्तों सबसे पहले अगर साफ कहता 20 मीटर उत्तर जा रहा है, ये तेरा उत्तर है, मैं इसको पुत्र किशोर ऐसे लिखूंगा, वी इनिशियल इक्वल टू 20 जे कैप। फिर वो कहता है, अगला साफ कहता है उसी स्पीड से, यानी न्यूमेरिकल चेंज नहीं हुई है, काम उड़ गया वेस्ट में, ये तेरा वेस्ट है भाई, और ये तेरा वी फाइनल है, तो वी फाइनल क्या है -20 i कैप, बोल हाय तेरा बिल्कुल ईस्ट वेस्ट। बात नहीं पड़ी, जैसे जैसे अगला कहता वैसे वैसे कर, अगला पैदा कहता 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में गया, इनिशियल क्या हो गया नॉर्थ गिरा ऊपर की ओर, फिर कहां मुड़ गया वेस्ट में, तो वेस्ट किधर है माइनस आई, वी फाइनल क्या हो गया -20 i। अगला कहता चेंज इन वेलोसिटी, पेज खड़ी करना, चेंज इन वेलोसिटी, दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी क्या है डीवी, वो क्या है वी फाइनल माइनस इनिशियल, क्या है वी फाइनल -20 i कैप -20 j कैप। तो सबसे पहले तो इसका रिजल्टेंट निकालो, तो इसका रिजल्टेंट तो दोस्तों आप जानते हो, जैसे तुम निकालोगे तो क्या आएगा रहा? याद है ना 20√2 आएगा, याद है ना, 20 का स्क्वायर करोगे, 20 का स्क्वायर करोगे रूट करोगे, लेकिन दिशा क्या है ये मेरी क्लास का सिस्टम बोल रहा हूं मैं, आई भी माइनस में है जे भी माइनस में है, तो दोस्तों आप जानते हो यहां मिलता है, जानते हो ना, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, पढ़ा है मैथ में ये माइनस माइनस में, तो या आई के साथ माइनस है जे पे माइनस है, तो इसकी डायरेक्शन आएगी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट 20√2 साउथ वेस्ट, क्वेश्चन रहा भैया 20√2 साउथ वेस्ट, मैं ये मानता हूं कि ये न्यूमेरिकल मेडिकल एग्जाम में आता है, इसका शायद इससे दूसरा आसान तरीका नहीं हो सकता। मैं एक बार इस प्रश्न को तेरे खाली कर देता हूं और वापस से दोबारा एक पैटर्न मेरे पास और है, तो उससे करता हूं, आ जा भैया तेरे सामने बना डायग्राम, वो तो हो गया पहले बड़ा, तो डेल्टा वी क्या था वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब देख यहां पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से उत्तर की ओर गया, यहां मैं कलर चेंज करो पेन का, इधर गया, ये एक वेक्टर हो गया भैया, दिस इज वी इनिशियल 20, फिर क्या कहता है किधर मुड़ गया रही है पश्चिम, पश्चिम की ओर मुड़ गया, ए ये तेरा मुड़ गया भाई वी फाइनल पश्चिम की ओर, तू खुद कहता चेंज जी किशोर पुत्र, चेंज का मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल को मैं यू कह दू, तू कहे तो कि फाइनल के अंदर माइनस वी आई एड करना है, यू मान ले फाइनल के अंदर माइनस वी आई एड करना है, तो माइनस वी आई करना, इसको तू क्या बना माइनस वी आई बना, तो मैं इस डायग्राम को फिर कलर चेंज करके कर दूं, तो ये तेरे सामने क्या आ गया माइनस वी आई आ गया, और इसको उठा के यहां रख दे भैया, सीधी सी बात है ये तेरा कौन है वी फाइनल, ये तेरा क्या आ गया इसका रिजल्टेंट, कैसे कर लीजिए बिल्कुल, ये तेरा क्या आ गया इसका भैया, तो आप इसको दोनों पैटर्न में से किसी भी पैटर्न में सोल्व कर सकते हो, बोलो बिल्कुल सही कौन सा लगा इसे तेरे को, ये इसी है एग्जाम में टाइम सेविंग मोड अपना काम करता है, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये करीब करीब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे चलते हैं जी, ये देखो दोस्तों ये कहता 3 forces हैं 1 newton 2 newton 4 newton, थोड़ा सा मैं ध्यान चाहूंगा, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, इनको समझने की कोशिश करो, वो कहता है कि 3 forces acting on body are shown in the figure to have resultant force only along y direction, इसका मतलब है यहां एफेक्ट जो है उसको जीरो करना है, सीधी सी बात है, फोर्स का क्या करना है अक्स कंपोनेंट क्या करना है जीरो करना है, अब दोस्तों फोर्स का अक्स कंपोनेंट जीरो करना है तो क्यों ना पुत्र इसको बढ़ा यही कन्वर्ट कर ले, तो यहां तक कन्वर्ट करोगे तो ये 4 है ये 2 है तो अपने आप क्या बच गया 2 ही बच गया, देखो देखो 4 इधर है 2 इधर है, अरे मुड़ गए क्या, जब दो वेक्टर एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो उनका क्या होता है R1 - R2 नहीं होता है क्या, क्या होता है R1 - R2, तो कितना बच गए 2, तो अपन इसको थोड़ा सा तो मेरे को बोर्ड की जगह बना, तो ये देख इसका ऐसे कह सकते हैं ये कितने न्यूटन है 2 न्यूटन, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये कितना एंगल है तेरा पुत्र ये कितना है सॉरी 1 न्यूटन, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, बस अब तू क्या कह रहा है, तू कह रहा है कि सारा फोर्स किस पे हो
वाई डायरेक्शन पे, इसका मतलब एक्स डायरेक्शनल फोर्स क्या हो, जीरो। अब देखो भाई कंपोनेंट तोड़ो, ये 2 न्यूटन है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये कितना बच गया 60। तो इस घटक को तोड़ेंगे तो आप क्या कहोगे, 2 cos मल्टीप्लाई cos 60 i कैप माइनस, यस, क्योंकि ये किस में भैया माइनस में, वो 1 न्यूटन है किस में, 60 प्लस पे है, तो 1 cos 60 प्लस i प्लस i कैप। अब आप थोड़ा सोल्व करें तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 i कैप प्लस cos 60 वैल्यू क्या होगी, 1/2 i कैप। अब देख भाई ये तेरा क्या है, माइनस आई कैप, ये तेरा क्या है, प्लस 1/2 आई कैप, तो हकीकत तेरा क्या बच गया, माइनस 1/2 i/2 आई कैप बाई एक बार। इतना फोर्स तो इनका है और तेरे को इसको जीरो करना है, किसको, एक्स एक्स को, तो इतना फोर्स जोड़ दे, इतना फोर्स का मतलब है तो इसमें माई बाई जोड़ दे, माइनस 0.5 आई कैप न्यूटन, यानी माइनस 0.5 जोड़ दे, तो माइनस का मतलब सीधी सी बात है कि ये माइनस है, सॉरी ये तो माइनस है, प्लस 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 जोड़ता है, माइनस है, आंसर क्या आ गया, 0.5। बोल रहे किशोर भाई बिल्कुल शानदार, ये देखो दोस्तों ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कर दिया, मिटा के फिर समझा देता हूं, इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्ट क्या आया, 2, फिर ये क्या बनेगा, 2 cos 60, ये क्या बनेगा, 1 cos 60, ये किस पे है, प्लस आई कैप पे, ये किस पे है, माइनस एफ पे, और इन दोनों को जोड़ के एक तीसरा फोर्स वो लगाओ कि उन तीनों का एक्स एक्स पे जोड़ जीरो हो जाए, तो इसका आंसर आया था 0.5 i, तो 0.5 i को मुझे जीरो करना है, वो क्या जोड़ूंगा, प्लस 0.5, तो प्लस 0.5 का जोड़ दीजिए आपने, क्लियर, गुड आउट, आगे चले जी। ये तो भाई अपना प्रिय प्रश्न वापस वही बात आ गई, मतलब नीट के एग्जाम में इसके बिना क्वेश्चन नहीं होता, सुन लो जी। अगला साहब कहता है कि एम मास की बोट एक बोल बी से टकराई और वापस गई, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये वी इनिशियल है, ये वी फाइनल है, दोस्तों परिवर्तन पूछता अगला, तो तू जानता डेल्टा वी, वही कहानी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, कॉमन सेंस की बात है, ये कौन है, वी कोस थीटा, तो वी कोस थीटा तो इधर है और ये तेरा वी कोस थीटा इधर है, एक वी कोस थीटा प्लस है, एक वी कोस थीटा माइनस है, पर फाइनल क्या है, माइनस प्लस है, तो दोस्तों इस प्रकार का जब भी तुम चेंज करोगे ना तो ये हमेशा क्या आता है, 2 वी आ जाता है, एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल इसका फॉर्मूला हो गया 2 एम वी कोस थीटा, कोस जाएगा साथ में, यस, ये क्या है, वी कोस थीटा, ये क्या है, वी कोस थीटा, तो आंसर हो गया दोस्तों 2 एम वी कोस थीटा। ये फिर सुन लो, देखो ये ऐसे है, इसको ऐसे करो, तो ये एम वी कोस थीटा से आ रहा है और एम वी कोस थीटा से जा रहा है, ध्यान देना, ये कोस थीटा ना मोमेंटम बात कर रहा है, तो एम वी कोस थीटा से आ रहा है और एम वी कोस थीटा से जा रहा है, तो ये प्लस है, वेक्टर की बात है, ये क्या हो गया, माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो दोस्तों इसका नो डाउट इसके साथ माइनस है, ये तो माइनस क्यों आया, क्योंकि पार्टिकल के मोमेंटम में इतनी कमी हुई, कमी क्यों हुई, क्योंकि वो मोमेंट कहां चला गया, दीवार को, दीवार के पास, पार्टिकल के मोमेंट में कितनी कमी हुई, 2 एम वी कोस थीटा, और दीवार का मोमेंट कितना बढ़ा, 2 एम वी कोस थीटा, तो एक्चुअल में अगला चेंज पूछा हमारे यहां से कि चेंज कितना है, तो चेंज हो गया 2 एम वी कोस थीटा, उसका परिमाण पूछा वो तो हमेशा प्लस का होता है, ये अब फिर से रोक के बोल रहा, छोड़ो बहुत काम का क्वेश्चन है, क्यों आगे चले, बिल्कुल शानदार, आगे चलो फिर आ जाओ भैया, सदिश ए बी सी के रिजल्ट क्रम से 3, 4, 5 है और ए प्लस बी इक्वल टू सी है, देख लड़के थोड़ी सी बुद्धि लगा, ए प्लस बी प्लस सी, देख ये ए, देख हो गया क्या, ये ए, ये बी और ये अपने आप ही तेरा क्या हो गया, सी, ये तेरा 3 है, ये तेरा 4 है, ये तेरा 5 है, ए और बी के बीच कोण बिना कुछ किए क्या आ गया रहे? नहीं, नहीं। देखो हर चीज फिजिक्स काम नहीं आती है, हर जगह सब्जेक्ट काम नहीं आता है, कुछ जगह ट्रिक्स काम आता है, खुद देखना यार, ए 3 है, बी 4 है, सी 5 है, अगला कह रहा है ए प्लस बी सी, सही है, आपके सामने सामने है, बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दिया आपने, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 25 होता है, ये 5 हो गया, ये एंगल क्या हो गया तेरे सामने सामने 90 डिग्री, आंसर क्या आ गया, इसमें बॉस एक चीज जैसे बच्चे कई बार इसमें फंस जाते हैं, कैसे उसमें जैसे मान लो इसके स्थान पर डाटा बदल दे
तो डाटा के चेंज होने के बाद अपन इसको कैसे फिर सही कर पाएंगे, उसके लिए क्या करते हैं लोग, इसका एक बिल्कुल पेट इसका तरीका है, पेज खाली कर दो भैया। हाँ, तो उसमें क्या करें कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको दे रखे हैं साइड्स, तो हम क्या करें पहले जो स्मॉल साइड है चाहे वो इक्वल है चाहे डिफरेंट है, उनका स्क्वायर करके आप क्या करें जो बड़े वाले साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल आप चेक कर लें। अगर छोटी जो साइड है उनका स्क्वायर का सम बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर आ जाता है ना, तो डेफिनेट है वो आपका ट्रायंगल बन गया समकोण त्रिभुज। बड़ा कैसे दिस बात, और अगर तीनों साइड बराबर हैं तो बन गया संभव त्रिभुज। संभव त्रिभुज सही कह रहे हो। और अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर वो आपका हो गया कोई अदर हो गया वो आपका। हां, और वो नीट का सिलेबस भी नहीं है। हां देखो, नीट के सिलेबस की सीमा है। बिल्कुल, बच्चे मात यही खाते हैं, उनको यही पता नहीं है कि नीट में क्या तो पढ़ना है क्या छोड़ना। भाई नीट का एक लिमिट है, वेक्टर की सीमा है। अब आईटी की गाइड लेके आ जाओगे, नीट का बच्चा है आईटी गाइड लिए बैठा है, फ्लो होना होना भाई। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, इसलिए इस ऐसे क्वेश्चन आते ही पहले अपने क्या करना चाहिए कि ट्रायंगल किस प्रकार का बनता है उसको पहले फिक्स करना चाहिए कि वो समकोण त्रिभुज बना या संभव बना या कोई और बन गया, उसके बाद आप क्वेश्चन पे टूट पड़ो। थैंक यू। नेक्स्ट आप 8 पे आ जाओ। ये दोस्तों इस क्वेश्चन में ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें देख के डिसाइड करना, ऑब्जेक्ट देखने पड़ेंगे। देखो बी में ई जोड़ो, ये दोस्तों आपका बी है, इसमें आप ई जोड़ोगे तो कहता एफ बन रहा है, तो ये एफ ऐसे कभी नहीं बन सकता। अगर जो बी में सी जोड़ो, ये आपका देखो बी है, बी पे सी जोड़ो तो एफ, देखो ए, ये आपका क्या है बी है, ये आपका क्या है सी है, तो ये एफ तो आपका ऐसे है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो जीरो हो गया। आगे चलो डी में सी जोड़ो, देखो आपका डी है, डी पे सी जोड़ो, फिर ऐसा कोई आंसर आए नहीं, तो एफ इधर है वो नहीं हो सकता। इधर देखो डी प्लस ई, देखो दोस्तों ये आपका कौन है डी है, और ये आपका कौन है ई है, देखो डी है ए, इस डी पे ई जोड़ो, और इसका ये रिजल्टेंट है ये एफ होता है। इस आंसर क्या आगे देखो होता है। इसमें आपकी मेरी बुद्धि की जरूरत नहीं है भाई, ये तो जैसे जैसे कहता है वैसे करना पड़ेगा आपको। बोलो, इसमें ये होता है ना बी सदिश प्लस सी प्लस एफ, हाँ तब ये उससे हो जाता, तब जीरो ये हो जाता, तब जीरो होता है। भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस जीरो का मतलब ट्रायंगल क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो देखो फिर से कहता हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन में पैनिक मत हो, ऑब्जेक्ट से फटफट चेक कर लो, ये क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। ऑब्जेक्ट फिर देख लो, देख डी में ई जोड़ा, देखिए ये तेरा कौन है डी, इसमें ई ई ई ए जाना ना, एक का सर दूसरे का पूछ, ए ई ई, तो कॉमन सेंस की बात है, ये अपना पैसा हो गया। ऐसा कौन है एफ, देखिए एफ ऐसा है ना, आंसर क्या आ गया और डी प्लस ई इक्वल टू एफ। ओके आगे चलो, फिर वो क्वेश्चन आ गया आई जे के। देखो दोस्तों एक वेक्टर तो ये है और एक वेक्टर ये है, देखिए मेरा ऐसा मानना है दो वेक्टर दिए हुए होना, उनके बीच आपको एंगल निकालना हो तो भाई साहब दुनिया का सबसे आसान तरीका है ए डॉट बी इक्वल टू ए का रिजल्टेंट बी का रिजल्टेंट cos थीटा, सिंपल सा फंडा है। और डियर cos थीटा इक्वल टू तेरा क्या हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए का रिजल्टेंट और बी का रिजल्टेंट, इतना वेक्टर तुम जानते हो। आई डॉट आई क्या होता है भाई वन, वालो I dot I क्या होता है वन, J dot J क्या होता है वन, K dot क्या क्या होता है वन, I cross I क्या होता है जीरो, क्योंकि A dot B equal to होता है AB cos theta और A cross B होता है AB sin theta। बस अब तुझ A dot B निकाल पहले, तो A dot B निकाले इसका ध्यान दे क्लास है, तो A dot B I को I से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ एक, J को J से मल्टीप्लाई कितना हुआ एक, के है ही नहीं खत्म हो गया। अब रिजल्टेंट इसका क्या है रूट थ्री, इसका क्या है रूट टू, तो ये तेरे सामने क्या आ गया टू अपॉन रूट सिक्स कोस थीटा, तो थीटा क्या हो गया कोस इनवर्स टू बाय रूट थ्री, टू बाय रूट थ्री ऐसा आंसर ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आंसर हो गया भैया बदल साइन में चेंज कर ले क्या दिक्कत है, आ जाओ ऐसा कोई आंसर नहीं है। ये थीटा बना तेरे सामने है टू रूट टू अपॉन रूट सिक्स, तो टू तो है ये और रूट सिक्स आपका हो गया ये, ठीक है डियर। अब आप ये दो का स्क्वायर है और ये आपके सामने रूट सिक्स, आप उसके स्क्वायर में से उसको माइनस कर लेंगे तो ये आपके सामने दोस्तों छह का स्क्वायर छह और चार दो, दो रूट दो रूट दो, दो हो जाओगे इसकी, तो ये आपकी रूट दो होगी। अब साइन से निकाल लो तो रूट दो बटे रूट सिक्स है, तो आंसर आ गया साइन में साइन इनवर्स एक बटा रूट थ्री। डांस क्लास का इसमें
आपके मेरे हाथ में नहीं है। एक वेक्टर दोस्तों आपका ए है, एक वेक्टर आपका दोस्तों बी है, आपको उनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकाल एक तरीका होता है ए डॉट बी, ए का रिजल्टेंट, बी का रिजल्टेंट, कोस थीटा। कोस थीटा हो गया ए डॉट बी, ए का रिजल्टेंट, बी का रिजल्टेंट दोस्तों। तो कोस थीटा वन, या ए डॉट बी क्या हो गया टू, टू बाई रूट सिक्स। तो थीटा इक्वल टू तो है टू बाई रूट सिक्स, ऐसा आंसर नहीं है तो भैया इधर आ जाओ, ये टू, ये रूट सिक्स, तो आप जानते हो इसका स्क्वायर छह, इसका स्क्वायर चार, ये दो, दो का रूट, ये कोस साइन थीटा क्या होगा रूट दो बटा रूट सिक्स, रूट दो बटा रूट सिक्स, एक बटा रूट तीन, आंसर बेस्ट हो गया। फिर से देखो रिजल्ट, आंसर आपके हाथ में नहीं है, आंसर किसके हाथ में है, ऑब्जेक्ट के हाथ में है। ऑब्जेक्ट क्या है, इट क्लियर? जब इस पेंच रहे आगे चलो भैया क्वेश्चन नंबर टेन। ये तो दोस्तों एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए की जब भी बात आएगी एंगल क्या आएगा रे पाई। देखो भाई सुनो, देखो इधर देखो, ये मेरा हाथ है, देखिए देखो भाई, ए क्रॉस बी है तो अंगूठा ऊपर की ओर है, बी क्रॉस ए तो अंगूठा नीचे की ओर है, एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, एक बात ध्यान दो यहां पर बात करने बच्चे से, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है वो तो B क्रॉस A के इक्वल है, लेकिन दोस्तों डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और माइनस एंगल का मतलब होता है पाई फेज, ये गांठ मान ले भाई, कहीं माइनस फेज मतलब माइनस साइन है, इसका मतलब क्या हो गया उल्टा हो गया, उल्टे का मतलब 180 डिग्री हो गया, बोलो है ना, ठीक है भाई आगे चलो। ये देखो आप, मैं चाहूं आप ये करें तो आप इस क्वेश्चन पूरा करें, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखें आप, एम द्रव्यमान का एक पार्टिकल है वो एक्स वाई तल में नियत वेग से गति कर रहा है, और अपने को किसी समय टी पर केवल मूल बिंदु के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग है वो ज्ञात करना है भाई, टाइम टी पर ओरिजिनल पॉइंट के सापेक्ष एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है इसका। अब इसमें आप देखो कि पार्टिकल जो है वो किसी इंस्टेंट में मान लो यहाँ दे रखा है ना, और वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, अब समय के इस्तेमाल कहीं पर भी जा रहा है कोई इसका इशू नहीं है। जब भी आपको बलागुण या कोणीय संवेग निकालना होता है तो बलागुण के लिए हम लगाते हैं और दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, अलग से कुछ है नहीं उसमें। तो यहाँ पे रेखीय संवेग जैसे इस स्टैंड पे इस तरफ है ना, तो आप इस दिशा में एक लाइन खींच दो टेंजेंट इसका, इसको हम लोग कहते हैं एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ये आपने बना ली। अब उसके बाद आपको जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, सबसे पहले क्या करें इससे इस पर डालो परपेंडिकुलर, डाल दिया भाई, अब ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं आघूर्ण भुजा, टॉर्क आर्म कहलाती है। तो टॉर्क आर्म हमारे पास कितनी होगी बी, और बी क्या कांस्टेंट है, देखो आप पार्टिकल इस पॉइंट पे है तब भी इसका अमाउंट कितना बी रहेगा, कहीं चलो ची बी रहेगा, इधर बी रहेगा कहीं चलो ची, बिल्कुल। तो ये एक अपने आप में और विशेष क्वेश्चन बन जाता है कि अगर ये मान लो इस स्टैंड पे यहां है फिर दो सेकंड आगे चला गया उसके बाद स्पीड क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हां अब मान लो इस पॉइंट पे आप हैं तो इसका जो ओ से मान लो इसको मैं पी पॉइंट मान लो एक बार, तो ओ से पी ये बेटा जी आर के बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आर के इस तरफ और पी इस तरफ है, तो आर क्रॉस पी, तो ये देखो बॉस अब डाउनवर्ड इसका हो गया कोणीय संवेग, परिमाण याद करना है वो तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं जे इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा, देखो जे इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर किधर है वाई एक्स पे, कितना बी बी, तो ये दोस्तों कहलाएगा बी आई कैप, यस यस, क्रॉस एम वी क्या है प्लस के होता है पर जे क्रॉस आई माइनस के होता है, तो इसका आंसर हो गया माइनस एम वी बी, माइनस एम वी बी के कैप। रुको एक मिनट देखो, मैं हम इसको एक बार खाली कर देते हैं फिर से, ये हमारे किशोर का प्रिय क्वेश्चन है। देखो डियर आप ये पार्टिकल चल रहा है इस एक्सेस पे, क्योंकि मतलब बिल्कुल बिल्कुल ये डिस्टेंस कितनी है बी, कौन से एक्स पे है वाई एक्स पे, तो क्या हुई बी जे कैप, ये वी एम वी क्या हुआ आई कैप, और जे क्या होता है आर क्रॉस पी, जे क्या होता है डियर करना, जे क्या होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, तो आर के साथ क्या था बी जे कैप, इसके साथ क्या था एम वी आई कैप, तो एम वी बी तो बाहर आ गया, ये तेरा क्या बचा जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे क्या होता है के, जे क्रॉस आई क्या है माइनस के, तो ये एक शानदार सी व्यवस्था हमारी होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, आए क्वेश्चन पे आए आप, जो क्या कहता है आप प्रोफेशन प्रोफेशन
ये है बल F आप तो किसी इस पढ़ दो ताकि दोनों जो फायदा हो जाए। A force F equal to 5 IK plus JK Newton is applied over a particle which displaces it from its origin to the point R equal to 2 IK minus 1 JK meters. The work done on the particle is only अपने को देखो दोस्तों सीधा सा फंडा है वर्क चाहिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है F dot S सीधी सी डॉट बना करना है डॉट के बाद अब आप F क्या है तो F देखो दोस्तों आपके सामने है 2i माइनस j और ये डॉट है आपका फोर्स है आपने पहले भी देखा फिर दोबारा लिख लें कोई बात नहीं है W इक्वल टू क्या है दोस्तों F डॉट S तो F क्या है 5i प्लस 3j डॉट 2i माइनस j के देखो i से i मल्टीप्लाई करो 10 j को j से करो तो क्या आ गया 7 तो प्लस 7 प्लस 7 आंसर आ गया ध्यान दे ये करके बताऊं क्या आई डॉट आई 1 1 जे डॉट जे 1 आई डॉट जे 0 जे डॉट के 0 क्यों आई और जे के बीच एंगल 90 हो गया cos 90 0 होता है sin 90 1 होता है इसलिए ये बात हो जाएगा इसमें बॉस अगर मान लो कोई बच्चा जैसे कई सामान्य बच्चे किसी गलती कर बैठते हैं तो इसमें एक बिल्कुल सीधा सिंपल है कि जो फोर्स है ना आप इसको बिल्कुल ऐसे आराम से लिख दो 5 IK plus 3 JK ठीक है और जो आपका विस्थापन सदिश था वो भी आपको दे रखा है उसको आपने लिख दिया ऐसे 2 IK minus 1 JK अब इसको S यही गुणा कर लिया वैसे ताकि आप ऐसे सही हो जाता बिल्कुल सही बच्चे ऐसे सही है फायदे में होता है आगे चलो भैया क्वेश्चन 13 ये देखो कितना लाडला क्वेश्चन है A क्रॉस B का रिजल्टेंट इक्वल टू रूट 3A अब देखो यहां से बात आ गई A क्रॉस B का अर्थ क्या होगा A क्रॉस B का अर्थ होता है A B sin theta इक्वल टू रूट 3 A डॉट B होता है A B cos theta इसको काट दो आपस में sin को इधर लियो cos को इधर लियो tan theta इक्वल टू क्या आ गया रूट 3 tan थीटा रूट थ्री का मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री इसका अर्थ यह है बेटा जी दो सदिश है ए और बी जिनके बीच कोण कितना है 60 डिग्री पेज खाली करना भैया अब अगला कहता है कि आपको ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है ए में बी को जोड़ना है अरे भूल गए क्या जब दो वेक्टरों को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा ध्यान दे क्लास का साथ दे ए की जगह आ गया ए स्क्वायर बी की जगह आ गया बी स्क्वायर और ये तेरा आ गया टू ए बी और ये आ गया तेरा कोस 60 तो पूरी बात तेरे लिए ये तेरा आ गया ए स्क्वायर ये तेरा आ गया बी स्क्वायर ये तेरा 2ab cos 60 का मान क्या है 1 ये कट गया आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का रूट क्वेश्चन आ बेटा a ये लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ab का है ना ये वास्तव में क्वेश्चन बिल्कुल विद्युत साफ है a क्रॉस b का रिजल्टेंट a डॉट b का रिजल्टेंट वहां से क्या निकाले हमने थीटा फिर साफ कहता a प्लस b का जोड़ करो और याद करो एक वेक्टर r1 है एक वेक्टर आर टू है तो जोड़ कैसे होता भूल गए क्या आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू को थीटा का रूट याद है बस वही चीज है आगे चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्रॉस प्रोडक्ट काम का है जो हमें आपको सिखाना भी है मैं एक क्रॉस आपको करके दिखाता हूं प्रोडक्ट क्योंकि इस बात मेरा तरीका है हमारे किशोर का भी तरीका अलग है मेरा तरीका अलग है लेकिन एक तरीका मेरे दिमाग को 9th क्लास से सेट है उसी के साथ आपसे बात करूंगा अगला पूछता क्या है एक सदिश ये है एक सदिश ये है आपको इसके यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर वो बात की बात सबसे पहले अपन आपको ए क्रॉस बी निकालना सिखाते हैं इसका ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा मेरे काम है ओके डियर ए क्रॉस बी जब निकालना हो तो आप सबसे पहले एक टेबल बनाओ इसे आई जे के आई 2 2 2 माइनस 1 6 माइनस 3 तो बोर्ड खाली करना भैया एक बार देखो डियर ये लिख लिया मैंने अब देखो मेरा एक पैटर्न है मैं पहले ऐसे आऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे आऊंगा अब आप आई को लिखो आई को लिखने के बाद आई को छोड़ दो जो जो बचे नोट कर लो 2 - 3 - 1 + 2 प्लस आप जे लगाओ जे को भूल जाओ आप लिखो 2 - 6 - 1 - 2 प्लस आप के को लगाओ तो 2 - 6 - 2 -3 बस अब देखो नीचे आओ ऐसे इधर आओ तो 2 2 4 ये माइनस माइनस प्लस हो गया
और इसमें माइनस करना होता है, प्लस आप देखो जे को अब ऊपर जाओ ऐसे जाओ तो माइनस छह माइनस चार और प्लस तेरह के वापस नीचे आओ माइनस छह माइनस बारह तो तेरे सामने सामने आ गया आई कैप माइनस दस जे कैप और माइनस अठारह के कैप। ओके डियर माइन आई माइनस दस जे माइनस अठारह मेरा अपना पैटर्न है भैया और एक को फॉलो कर ले कि तेरे को पहले से आता क्रॉस करना प्रोडक्ट तो मेरी बात को मत सुन और नहीं तो इसको मान ले नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे पहले अपन यूं चले यूं चले यूं चले। ओके अब हम क्वेश्चन लाते हैं इसको बता देते हैं बट आ जाओ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इनके बीच का लंबवत दोस्तों आ जाओ ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ओके डियर आपको क्या निकालना है एन कैप एन कैप क्या है ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा तो इसको दोस्तों आप हकीकत में ऐसा भी कह देते हैं क्या कह देते हैं ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का परिमाण देख ध्यान दे ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी रहा आई माइनस दस जे प्लस एटीन के परिमाण को अपना पांच सौ दूसरी बच गया तो माइनस है माइनस एटीन है एटीन में किसमें था माइनस में था अभी जो गुणा भाग हमने की तो आई माइनस टेन जे माइनस एटीन के दोस्तों वो भी किसमें हमारा माइनस में है तो आपका आंसर क्या हो गया इसका थर्ड हो गया बोले बड़ी आप इसको निकालो सो अठारह का स्क्वायर करो सो का स्क्वायर करो दोस्तों तो आपके सामने ही आंसर आ गया। फिर ये निचला मुद्दा नहीं इसमें मुद्दा ये है आई माइनस टेन जे माइनस एटीन के ऐसा एक ऑब्जेक्ट है इस डायमेंस की स्क्वायर करने की आवश्यकता बढ़िया नहीं। ओके डियर आगे चले ये शायद किस पे डिपेंड करता है लांगवे थ्योरम पे। अगला साफ कहता है भाई तीन को प्लेनर अलग अलग पी क्यू आर आर थ्री को प्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट एंड आर इक्विलिब्रियम। अच्छा एक बात लांगवे थ्योरम सिर्फ क्या है इक्विलिब्रियम होना चाहिए इक्विलिब्रियम और तीन बल के लिए हाँ तीन बल के लिए है दो भी नहीं चार भी नहीं लांगवे थ्योरम है इक्विलिब्रियम के लिए है तीन फोर्स के लिए है। अगला कहता पी की वैल्यू ये है साइन थीटा ये है तो आर की वैल्यू इस तरीका होता है ये पी है ना देखो ऐसे देखो ये पी है ना इसका सामने क्या है थीटा वन तो क्या लिखेंगे पी अपॉन साइन थीटा वन इक्वल टू ये कौन है आर आर अपॉन साइन 150 और ये कौन है क्यू क्यू इक्वल टू है साइन थीटा वन बस ये समझो थोड़ा समझो देखो ये वेक्टर इसके सामने इसका एंगल ये वेक्टर इसके सामने इसका एंगल ये वेक्टर इसके सामने इसका अब ये डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे अपने ये तो फिर स्कूल में इलेवन क्लास स्कूल पढ़ता हो जाता है लास्ट में कंप्यूटर से ये काम आता है। अब पी अपॉन साइन थीटा वन ठीक है डियर अगला क्या पूछ रहा आर का मान पूछ रहा है पी की वैल्यू दे रखी देखिए देखो अगले ने अब गुणा भाग कर ले तो सुनो अपन थोड़ा सा इसको करें 1.9318 अपॉन क्या है साइन थीटा वन पूरा साइन थीटा वन क्या है 0.96592 तेरे को क्या चाहिए भैया आर की तो आर और ये कौन है साइन 150 दोस्तों इसको सोल्व कर लो मैं चाहूंगा यहां आपका समय बचाया जाए तो सीधा सीधा गुणा भाग आप इसको करेंगे तो आपके सामने इसका आंसर आ गया डियर थर्ड एक नंबर आंसर आ जाएगा। आप जैसे गुणा भाग शुरू करेंगे आगे तो कर लोगे अब आगे बढ़ आपका टाइम लेना चाहूंगा ये आपके सामने लंबी थ्योरम आ गई क्लियर है पी अपॉन आर अपॉन क्यू अपॉन इसकी जरूरत नहीं पड़ी अपने को अपने को पी की वैल्यू दे दी साइन थीटा वन दे दिया साइन 150 अपन जानते हैं आर की वैल्यू पूछिए अगले तो आंसर क्या आएगा एक आएगा आप गुणा भाग करके देख ले आंसर इसका दोस्तों ये रहेगा। ओके आगे चले थैंक यू। वह सदिश जिसमें एक सदिश ये है एक ये है जोड़ने पे वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश प्राप्त हो देखो इस अर्थ को क्या है ये भी इस पे भी डिपेंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू है इसमें इनमें से कौन सा जोड़ें कि आई जीरो हो जाए के जीरो हो जाए और जेड क्या बचे एक बचे देखो देखो वाई के अनुदिश क्या हो जाए इकाई सदिश इसका मतलब अक्ष अक्ष क्या हो जीरो तो आप देखो इसका आई ये थ्री आई फोर आई है इसमें माइनस फोर आई तो ये तेरा माइनस फोर आई हुआ आगे चल के भी जीरो करना पड़ेगा टू के और माइनस सेवन क्या हुए माइनस फाइव के तो क्या कर दे प्लस फाइव के जे कितना माइनस थ्री जे और सिक्स जे कितना बचा प्लस थ्री जे तो प्लस थ्री जे में तू क्या जोड़ माइनस टू जे अपने आप ही क्या बच गया एक जे बच गया बिल्कुल ही भाई ये कोई मतलब इसमें आप गुणा भाग नहीं कर सकते आप जोड़ के देख लो साफ कहता है वाई एक्स के सापेक्ष यूनिट वेक्टर चाहिए इसका मतलब एक्स को भी जीरो करो जेड को भी जीरो करो और वाई पे
एक कर दो, वो भी पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके चले आगे, आगे आ जाओ। अब आप देखो फिर वही बात है, एफ की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, क्या पूछता अगला? टोर्क। दोस्तों टोर्क इसमें ध्यान ना भैया, ए डॉट बी और बी डॉट ए फर्क नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फर्क है, पूरी कहानी बदल जाएगी। तो टो दोस्तों क्या होता है? आर क्रॉस एफ। तो डियर अपना वही तरीका, आ जाओ अपना वही बनाए लो यहां पर, तो फिर करते हैं प्रैक्टिस के लिए। आई कैप जे कैप के कैप, आर क्या है 7 3 1 1, और दोस्तों एफ क्या है -3 -3 +1 +5। अब दोस्तों मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए अब आपको मैं सीधा करूंगा, अब मैं गुणा भाग से दिखाऊंगा। आ जाओ आई को दबाओ, इधर चलो 5 3 15 -1 क्या बचा 14 प्लस जी, चल नीचे से -3 -35 कितना आया -38 जी। अब के पे आ जा 7, ये -9 -9 +9 7 16, ये तेरा 16 के 14 i 38 j 16 के 13 फर्स्ट क्लास आ गया। हो गया यस। इसमें बहुत अपन एक बात बच्चों के लिए फायदा वाली बता दें कि जैसे क्वेश्चन में जो आते हैं ना, हां मेनली जैसे जो फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन है तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का, उसमें जैसे एक दो पर निकालते हैं टॉर्क, तो टॉर्क हमारे पास कितना है आर क्रॉस एफ, ठीक है एक बात तो ये होगी। यदि आपको निकालना है कोणीय संवेग जे आर क्रॉस पी, ये भी आपका आर क्रॉस बी पी है। अब जैसे ये तो राशियां कौन सी कोणीय राशियां हैं, ठीक है हम इसको निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी के साथ जैसे एक अपन निकालते हैं वी, एक होता आपका ए, ये दो राशियां कौन सी हैं, ये लीनियर क्वांटिटीज है। अब इसमें चूंकि आपने जाना इसको, तो ये v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस r, बिल्कुल सही है, और ये अल्फा क्रॉस r, अल्फा क्रॉस r, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये बड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सही है। इसमें इसमें याद करने का भी सिंपल तरीका है, ठीक है हम इसको कहते हैं एक दो है एंगुलर, ठीक है वर्ड आता है, ठीक है हमारे पास यहाँ पे है लीनियर, ठीक है तो लीनियर में लीनियर से लारे लारे मारवाड़ी में बोलते हैं लारे, इसमें r लारे है बिल्कुल सही बात, में ए से आगे है सही बात है, ये बच्चों काम आता है। ये एक्चुअल में दोस्तों बहुत बड़ा एग्जाम आया, कौन सही है कौन, इसका मेरा फ्रेंड है कि इसको बोलते हैं जुरासिक पार्क, जेआरपी जुरासिक पार्क के नाम से दिमाग में सेट रहा, तो वो सही कह रहा है, वो ओमेगा क्रॉस आर होता नहीं आर क्रॉस ओमेगा। अब इसमें एक बात मैं किशोर की बात को बटर बताऊं कि जब एंगुलर हो तो आर पहले आएगा, लीनियर है लीनियर में आर लास्ट में आता है, वहां भी क्या बात है गजब फंडा बन गया, तो आर लास्ट में है तो आर, हमारे मारवाड़ी में लारे बोलते हैं, लारे पीछे बीकानेर की भाषा में लारे बोलते हैं। आगे चले क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 18, सदिश के लंबवत, एक बात सुनो भाई, एक सदिश के लंबवत दूसरा सदिश करना हो तो भाई जी ये करते इसका डॉट गुणा जीरो, बहुत फंडा, दो वेक्टर है और परपेंडिकुलर चेक करना है तो भाई साहब a डॉट b इक्वल टू जीरो कर दो, क्योंकि a डॉट b जीरो का मतलब ab cos थीटा, और cos में तुम जानते हो 90 का मान जीरो होता है i j के, बस अब इसको गुणा करो किससे जीरो हो सकता है, तो देखो इसको इससे गुणा करो तो ab sin थीटा cos थीटा a, नहीं 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 हुआ, आप देखो फोर्थ को मिलाओ इसको दोस्तों से मल्टीप्लाई करो, तो a से a कट गया cos थीटा sin थीटा, माइनस b से b कट गया cos थीटा sin थीटा जीरो, उसमें से एक तो माइनस होना ही पड़ेगा, जीरो कैसे होगा? देखो डियर बहुत प्रैक्टिकल बात है, जब भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कंडीशन को चेक करेंगे तो एक ही फॉर्मूला है a डॉट b इक्वल टू जीरो, और इसमें फिर से कहना चाहता हूं यहां भी वैल्यू ऑब्जेक्ट की है, वैल्यू क्वेश्चन की नहीं। इसमें एक बहुत अच्छी बात देखो, अगर मैं इस ऑप्शन को काट के यहां कर दूं 5kk, तो ये भी इसका आंसर सही बिल्कुल सही उठाइए, हां कहना मतलब देखो सुनो बहुत थैंक यू यार, ये आई यानी x एक्स पे है, हां ये y एक्स पे है, ये किस पे है z एक्स पे, क्या बात कही यार आपने, यदि 5k नॉट 5k कोई भी k 5k कोई भी हो k कैप कर दो, तो देखो दोस्तों ये क्या है, ये 2d है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये अपना क्या हो गया z, उसके वो हो गया लंबवत, शाबाश आगे चलो भैया। ये मेरा प्रिय प्रश्न है, एक सदिश है OA, एक है OB, एक है OC, तो साफ कहता है इनका रिजल्ट निकालो, तो देखो लड़के ये तेरा OA, ये तेरा OC, इसको तू R कह दे, इसको तू R कह दे, ये R और R, मैं तो साइड में कर रहा हूं, ये तेरा R और ये तेरा R, ये दोनों लंबवत हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, √2R,
अब ये रूट टू आर और आर ये क्या हो गए, एक वैल्यू हो गए। तो दोस्तों रिजल्टेंट जो आर डैश है वो आर प्लस रूट टू आर, आर को बाहर निकाल लो। ये 11th के बच्चों के माइनर टेस्ट में आया है, ध्यान रखना। बहुत प्यार क्वेश्चन, देखो मैं इसको फिर बिठा दूंगा एक बार। एक सदिश ये, एक सदिश ये, ये लंबो याद है ना, आर आर सदिश जब 90 पे जुड़ते हैं तो बेटा रिजल्ट क्या आता है, रूट टू आर, ध्यान है ना रे। जब आर आर जुड़ते हैं 0 पे तो 2R आता है, जब आर आर जुड़ते हैं 180 डिग्री पे तो 0 आता है, जब आर आर जुड़ते हैं 90 पे तो रूट टू आर आता है। तो बहुत सुंदर चीज है, जब आर आर जुड़ते हैं 120 डिग्री पे तो आर आर जुड़ता भी आर आता है, याद है ना। 4 न्यूटन का फोर्स है, एक और फोर्स 4 न्यूटन का, यदि वो 120 डिग्री पे अप्लाई हो रहे हैं तो उसका जो फोर्स रिजल्टेंट वो भी क्या आएगा, उतना न्यूटन आएगा। फिर सुन लो, आर आर को जोड़ो 0 पे, बोल आंसर क्या आएगा, 2R। आर आर को जोड़ो 180 पे, आंसर क्या आएगा, 0। आर आर को जोड़ 120 पे, आंसर क्या आएगा, R। आर आर को जोड़ 90 डिग्री पे क्या आएगा, रूट 2R। ये है 0 का, 60 का, 90 का, 120 का और 180 का, बच्चे को आने चाहिए, आने चाहिए। आगे चले हम, ये दोस्तों फिर मेरा क्वेश्चन आ गया। अगला साहब कहता है एक कण, भैया बनाओ बनाओ बनाओ, एक ये बनाया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, आजा भैया। अगला कहता पूर्व की ओर, पूर्व मतलब ये रहा, तो वो भी इनिशियल, आजा लड़के, व्हाट इज वी इनिशियल, तेरे सामने सामने है, वी इनिशियल का मतलब है फाइव आई के, आई के। फिर कहता 10 सेकंड बाद उत्तर की ओर उड़ गया, इधर चला गया, तो ये तेरा वी फाइनल है, रिजल्ट तो वही है 5 जे के। तेरे को क्या चाहिए, औसत त्वरण चाहिए, तो त्वरण तो क्या है, वेलोसिटी का चेंज टाइम भाग देते, तो डेल्टा वी क्या हो गया रे, डेल्टा वी क्या हो गया, वही वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। व्हाट इज वी फाइनल, 5 जे, व्हाट इज वी इनिशियल, माइनस 5 आई कैप। तो पहली बात तो 5 जे 5 आई कैप आ गया, तो इसका जो रिजल्टेंट आया लड़को वो आप जानते हो ना क्या जाएगा, 5 रूट 2। तो आंसर आ गया 5 रूट 2। अब अगला त्वरण पूछता, अगला तो त्वरण पूछता है, तो 5 रूट 2 में आप 10 से भाग दे दो, तो ये आपके सामने क्या आ गया, रूट 2 बट्टा 2, रूट 2 बट्टा 2 का आंसर क्या आ गया भैया, 1 बट्टा रूट 2। तो आंसर तो 1 बट्टा रूट 2 है, किस दिशा में है जब मेरा आई तो माइनस है, जे प्लस, ये रहा या आई तो क्या होता है माइनस, जे क्या होता है प्लस, आंसर क्या होगा नॉर्थ वेस्ट, आंसर क्या होगा नॉर्थ वेस्ट, 1 बट्टा रूट 2, बोलो हां या ना। मेरे निगाहों में ये एक मेरा बहुत प्रिय क्वेश्चन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत प्यार से आती है, और मैं फिर से कहना चाहता हूं इसका यही अप्रोच लगाना आप लोग। फिर सुन लो, वी इनिशियल क्या है 5 आई कैप, वी फाइनल क्या है 5 जे कैप, आपको क्या चाहिए एक्सीलरेशन, तो क्या करोगे चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, रिजल्ट क्या आ गया 5 रूट 2। आई किस में है माइनस में, जे किस में है प्लस में, यानी आई किस में है माइनस में, जे किस में है प्लस में, इस ब्लॉक में आ गए कौन सा ब्लॉक है नॉर्थ वेस्ट, आंसर क्या आ गया नॉर्थ वेस्ट। ओके डियर, आगे चलो, देख भैया ये क्या कहता है, एक कण नियत फोर्स के प्रभाव में यहां से यहां तक विस्थापित हो जाता है, तो इसमें क्या आ गया कार्य निकालो, आ जाओ भैया W इक्वल टू दोस्तों वही आपका F डॉट D। अब ध्यान देना भैया, D क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको दिस इज R1 दिस इज R2, तो इसको अपन को डेल्टा R कहना पड़ेगा, तो डेल्टा R2 आएगा R2 माइनस R1, सीधा कर दूं 5 आई में से 1 आई गया 4 आई बचा, 4 जे में से 2 जे गया प्लस 2 जे बचा, और माइनस के में से माइनस 3 के गया माइनस 2 के बचा, प्लस 2 के सॉरी प्लस सॉरी सॉरी प्लस 2 के बचा, ये तेरा डेल्टा आर बोल दे चाहे इसको डी बोल दे। फोर्स क्या है 2 लग रहे हैं तो ये ऐड होंगे, तो फोर्स फोर्स क्या है 4 और 3 क्या हो गया 7 आई के, जे जे क्या हो गया 2 जे के, माइनस 3 और ये क्या हो गया माइनस 4 के। अब इसके तुम डॉट लगा और वो उधर से लिया, ये कौन आ रहा है 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब भैया गुणा कर ले, आई को आई से गुणा कर, प्लस 1 हो गया 7 चौक 28, 2 को 2 से गुणा कितना हो गया 4, ये तेरा माइनस 8, तो 28 से 4 तो कितने हुए भैया, 28 4 28 और माइनस 4 कितने हो गए 24, तो आंसर क्या आ गया भैया आपका 24। थोड़ा सा क्लास का ध्यान चाहूंगा,
इस टॉपिक पे थोड़ा ठीक से रहे, ध्यान दो। फोर्स, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तो फोर्स तो दो लग रहे हैं, तो फोर्स तो होगा F1 + F2, लेकिन कहां से कहां गया? यहां डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल है, निकाल दिया, फोर्स को जोड़ दिया, एफ डॉट डी कर दिया, बोलो है ना। तो ये एक क्रॉस का एग्जांपल भी हो गया और डॉट का एग्जांपल भी हो गया। चलो जी आगे चलो, ये अपना प्रिय प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं आप पढ़ लो, एक बार सब लोग पढ़ लिया ये डियर, मैं इसको बहुत ही अलग तरीके से करता हूं, मैं एक बार वो पेपर हाथ में लेता हूं, बड़ा क्वेश्चन है, पेज खाली, आपने पढ़ लिया ना, आपने पढ़ लिया तो पेज खाली करके बात करो आपके लिए। वो कहता है एक कार ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवार्ड्स, देखो पढ़ो, एक तो लड़के क्या करते हैं किशोर, पेन कॉपी चलाते ही चलाते हैं, फिजिक्स में मजाक लगता है मेरे को, जब तक आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगला साफ कहता है एक कार पूर्व से 45 डिग्री पर उत्तर की ओर, ये पूर्व से किधर से, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, कितना डिस्टेंस चली भैया 6 किलोमीटर वाले मीटर वाले एक ही बात है। इस सदिश को मैं S1 कहूं तो दोस्तों यहां मैं सीधा थोड़ा सा कर दूं, इसका एक कंपोनेंट आएगा 45 साइन थीटा आई कैप, एक आएगा 45 सॉरी कोस थीटा, 45 कोस थीटा आई कैप, 45 साइन 45 जे कैप, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कोस का मान 1/√2 होता है, तो सीधा कर दूं भाई इसको मैं 6 × 1/√2 आई कैप प्लस 6 × 1/√2 जे कैप, रुकते एक मिनट जल्दी बाजू, ये कंपोनेंट 6 है इसे जुड़ेगा, क्या आएगा 6 cos 45 आई कैप, 6 sin 45 जे कैप, बोल बोल साइन 45 हो जाए कोस 45 क्या होगी 1/√2, तो 6 × 1/√2 आई कैप प्लस 6 × 1/√2 जे कैप, ये हो गया S1 डिस्प्लेसमेंट। फिर ये कहता है दोस्तों फिर पूर्व से, इसी पूर्व से मैं कलर चेंज कर दूं, इसी पूर्व से 145 डिग्री पे सॉरी 135 पे, तो 90 + 45 135 डिग्री पे ये वापस दोस्तों कितना चलता है 4 किलोमीटर, इसको तू S2 कह दे, तो अब S2 तू निकालेगा, लड़के मेरा साथ देना रहे, S2 तू निकालेगा तो ये एंगल, ये देख ये एंगल 135 है ना, तो कितना बच गया 45, तो ये देख इधर आएगा 4 × cos 45 माइनस आई कैप, यस, तो यहां मैं सीधा लिख दूं −4 × 1/√2 आई कैप प्लस 4 × 1/√2 जे कैप, जे तो किसमें है प्लस में है, बस इनको दोस्तों रिजल्टेंट एस निकालना हो तो S1 + S2 को जोड़ कर दिया जाता है, सीधा कर दो ये 6/√2 है, ये −4/√2 है, तेरा बचा प्लस में 2/√2 आई कैप, वो 6/√2 है, ये 4/√2 है, ये कितना बच गया 10√2 जे कैप, बस तो 2/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप। अब जरा क्वेश्चन में आए, अब पता लगा कि क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कितना कोण बनाएगी, आ जाओ वापस आ जाओ। अब दोस्तों सबसे पहले आपको इसका परिमाण चाहिए, तो परिमाण चाहिए तो एस का परिमाण निकालना हो तो आ जाओ परिमाण निकालो, स्क्वायर करो, देखो दोस्तों 2√2 ऊपर क्या बचा 2√2, कितना आ गया भैया 2, ये क्या तेरा 10√2, इसको 5 × 2 कर दो, तो 5 × 2/√2 क्या हो गया 5√2, तो 25 × 2 कितना हो गया 50, तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आ गई रे 2√52, क्वेश्चन में आओ आंसर क्या आ गया भैया 2√52। अब दोस्तों वापस के सो, अगर अब एंगल चाहिए तो एंगल चाहिए तेरे सामने सामने भैया, ये आई कैप है ये जे कैप है, तू जानता टेन थीटा क्या होता है J/I, क्या होता टेन थीटा J/I, ये तेरा कितना है भैया 10√2/√2, ये कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया तेरा 5, आ जा भैया क्वेश्चन में आ जा, ये बिठा देता हूं दोस्तों 52 tan inverse 5, ये रहा 52 tan inverse 5, लोग इसको अलग अलग तरीके से करते हैं पर मैंने आपको इसका एक सिंपल तरीका बताया कि सबसे पहले आप इसका S1 निकाल लो, S2 निकाल लो, S1 S2 को ऐड कर लो, उसका रिजल्टेंट निकाल लो, फिर टेंथ चाहिए तो टेंथ आप जानते हो y x / x,
ठीक है डियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। एक ये इस क्लास का श्रेष्ठतम क्वेश्चन कह सकता हूं मैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक बात गांठ बांध लो लोग पढ़ने से पहले, ये एक सर्किल है, एक कोई कण यहां से चल के यहां किसी थीटा एंगल पे आ जाता है, यहां भी आर है यहां भी आर है, यदि इसकी संख्या में चेंज नहीं हो तो दोस्तों इसका जो डेल्टा आर का चेंज होता है वो हमेशा होता है 2r sin θ/2 का, ये कॉम्पिटिशन है। यदि आर कोई वेक्टर है, ये आर कोई वेक्टर है, थीटा एंगल घूम जाता है, देर आर नो चेंज इन न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली चेंज इन डायरेक्शन, तो टोटल चेंज इन डायरेक्शन या टोटल चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी सदिश में जो परिवर्तन होगा वो होगा 2r sin θ/2। बस अब क्वेश्चन पे आ जा, तो साफ कहता है m मास की वस्तु r की जब पथ में घूम रही है p1 से p2 पे गई तो त्वरण में परिवर्तन क्या होता है, तो दोस्तों त्वरण में जानता हूं v2/r होता है। बस तो जहां r दिखा हुआ है, जहां r दिखा हुआ है वहां क्या लिख दूंगा मैं v2/r, और ये एंगल कितना है 90, ये तरह sin 45 क्या होता भैया 1/√2, तो दोस्तों इसका आंसर आ गया √2 v2/r हो गया। बोलो क्वेश्चन कैसा भाई, बिल्कुल सही याद कर ले इसको भैया, आपको मैं लो एक अगले क्वेश्चन आ जाएगा, सेम अगला क्वेश्चन है, ये रहा भैया, यहां से यहां गया कितना घूमा 40, तो a 2r sin 40/2 आंसर है 2r sin 20, 2r r पे कौन है v, एक ही बात तो r पे सिंबल है 2v sin 20, ये ले 2v sin 20, ठीक है बिल्कुल। ये दोनों न्यूमेरिकल किशोर सर ने से, ये पूरे क्वेश्चन आपने इकट्ठे किए किशोर सर ने, ये दोनों न्यूमेरिकल इसीलिए हमने कि कोई भी एक सर्कुलर पाथ पे थीटा घूम जाए बिना संख्या में चेंज किए तो दोस्तों उसका चेंज होता है 2r, r नहीं, r का मतलब कोई भी एक सिंबलिक नाम है, वो वहां v2/r हो गया था, यहां ये ओनली v हो गया। ओके डियर, उस आपकी बात को थोड़े से मैं आपको अगर हां थोड़ा पेज खाली करना, पेज खाली करो भैया। हां विजय से मान लो अपन कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, तो उस केस में मान लो पार्टिकल की पहले इनिशियल पोजीशन यहां है, ठीक है, तो आप इसका ये मान लो ओरिजिन है ना, तो अभी इसका इस पॉइंट का अपने मूल बिंदु के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर है वो इस तरह का है, मान लो कुछ समय पश्चात पार्टिकल यहां पहुंच गया तो उसका पोजीशन वेक्टर अब इस तरह बन गया, उसका परिमाण जैसे बोस ने कहा आर है तो इसका भी आर है, क्लियर। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, दो तरह से आते हैं, या तो आएगा सदिश राशि के लिए या आएगा अदिश के लिए, ठीक है। अब जैसे अपन ये कहते हैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका परिमाण हमेशा अदिश होता है, सही है, ठीक है, यानी वेग का परिवर्तन हो गया, ठीक है, बल का परिवर्तन हो गया, त्वरण का परिवर्तन हो गया, या पोजीशन वेक्टर भी एक सदिश है उसका पूछ लिया, तो यहां जो आप आर जैसे मुझे अच्छा लगा इस बारे में ये, तो आर हम किसको यूज करें, तो आर हमारे पास कैसे कैसे है, पोजीशन वेक्टर हो गया हमारे लिए, हमारे लिए यहां पे वेलोसिटी बन गई, हमारे लिए संवेग बन गया p = m × v बन गया, और हमारे लिए बन गया अभिकेंद्रित त्वरण बन गया, मैं इसको r को क्या करता हूं v²/r, तो हम इनमें कितनी जगह इसको आप जो बता रहे हो फर्स्ट रे मतलब मैं आप थैंक यू, ये कहने का मतलब है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, समान क्षितिज वर्तुल गति, जिसमें केवल क्या बदल रही है डायरेक्शन बदल रही है, संख्या तो मान नहीं बदलता, तो इसका कोई भी वेक्टर है उसको 2r sin θ/2। हाँ अब थोड़ा सा इसमें और बता दूं, वेरी गुड, जैसे एंगल थीटा है तो जैसे अपन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं r = मैं लिखता हूं a + b सर, ठीक है, मैं करता हूं डिफरेंस के रूप में तो ये आपका बन गया a - b। अब वैसे ये चार पोजीशन बनती है, अब मैं इसको चलो एक और लेता हूं r = a cap + b cap, सही है, और एक मेरा बन गया यहाँ पर a cap - b cap, ठीक है, यानी या तो आपके सदिश के रूप में आएंगे या फिर आएंगे एकांश सदिश के रूप में, उनका भी सम और डिफरेंस हो सकता है। अब जैसे दोनों समान परिमाण के हैं, अब यहां तो करने बात ही नहीं है क्योंकि तो एकांश सदिश से समान परिमाण के ऑलरेडी है, तो इसमें तो आप इसका जो परिमाण ज्ञात करेंगे इसका, तो वो तो आपका कितना 2, इसका एक का परिमाण तो 1 है, उसी बात को मैं ले रहा हूं, सिर्फ आपकी बात को मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं बस, तो ये प्लस है तो कितना होता है, ये होता है आपका कोस, इनके बीच का कोण जो भी होता है आपका वो मान लो थीटा था √2 कर दो, और यहां कितना 2 × 1 है, ये आपका बन गया साइन टोटल एंगल उनके बीच का √2। अब ये बात इसमें लेंगे, मान दोनों समान परिमाण के हैं तो आप इसको लेते 2a,
अब ए को बॉस ने आर ले रखा है, बस वही तो है, कुछ नहीं है। तो और इसमें टू आर, ये बन गया आपका कोस थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, और ये बन गया आपका टू आर साइन। मैं समझ रहा हूं, आप सुनो सुनो, थैंक यू। प्लस करना हो तो 2r cos थीटा बाई 2 है और डिफरेंस हो तो 2r sin थीटा बाई 2 है। लेकिन पुत्र परिवर्तन कहीं दुनिया में होता है तो परिवर्तन हमेशा माइनस से होता है। परिवर्तन का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, बिल्कुल। तो ऐड करना हो तो 2r cos थीटा बाई 2 है और माइनस करना हो तो 2r sin थीटा बाई 2, और माइनस का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन मतलब माइनस का मतलब परिवर्तन ही है। ओके थैंक यू, शाबाश, मजा आ गया रास्ते। आगे चलो, अगले क्वेश्चन आ जाओ भैया। ये देखो, ये बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ये कहता P plus Q plus R equal to zero, इसका मतलब है P के पूंछ पे इसका सर रख दो, इसके सर पे इसकी पूंछ रख दो, और दोस्तों इसको बोलते हैं कि जीरो पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो। लेकिन भाई जैसे ही अगला कहता है दो सदिश के परिमाण समान है, तीसरे सदिश का परिमाण दोनों में किसी एक का रूट टू है, बिना देखे पता लग गया आपको, बिना देखे, बिना देखे, बिना देखे, बिना देखे, बिना देखे, ये एक, ये एक, ये क्या हो गया रूट टू। देखिए ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। अब तू इसका एंगल निकालेगा तो एंगल ऐसे निकलता है, ये एंगल कितना हो गया 90, इसको इधर ले जा, ये क्या हो गया 135, इसको इधर ले जा, ये भी क्या हो गया 135, तो 90 135 135। यहां क्या दो तरह से कोण आते हैं बॉस? हाँ। एक तो है त्रिभुज के कोण, हाँ, एक है सदिश के बीच कोण, सदिश के, तो ये सदिश के कोण है, हाँ, कौन सदिश है ये सदिश के कोण है। मैं एक बार लो इसको फिर से करता हूं, बोर्ड खाली करें एक बार। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे है पी, कोई जल्दीबाजी नहीं पड़े को, ये क्यू और ये तेरा आर। अगला साफ साफ कहता है किशोर भाई उत्तर की पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखो कलर चेंज कर लो आपको, देखो ये सदिश के बीच का कोण है ना, ये सदिश इधर है तो एक्चुअली ये कोण इनके बीच है, ये सदिश इधर है, ये कोण इसके बीच है, ये इधर है, तो ये आप 90 है, 135 135, क्यों? ये एक है, ये एक है, ये वन, ये वन, ये रूट टू, तो ये कॉमन सेंस की बात है, कितना है 45 है, ये 45 है, ये 45 है और ये 90, क्यों? ये कहां से पता लगा कि एक रेख रूट दो, लंब का स्क्वायर आधार का इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, बात कोई बात नहीं, कोई बात। चलो आगे चलो, ये देखो जी, ये थ्योरी का अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन आर कॉस ओमेगा टी एक्स साइन ओमेगा टी वाई, वेयर ओमेगा इज दिस कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगला कहता भाई आर कॉस ये है। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, आप अच्छी तरह जानते हो, यदि मुझे इसका वेलोसिटी बनाना है तो मैं इसका एक बार टाइम के सापेक्ष इसको करूंगा डिफरेंशिएट, मेरा साथ दे तो इसको मैं करूंगा डिफरेंशिएट, तो ओमेगा भार आएगा, कोस का क्या होता है माइनस, तो ओमेगा भार आया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप, प्लस वाई भार आएगा कोस ओमेगा टी वाई। अब देख, अब यदि मैं इस आर और बी को मल्टीप्लाई करूं तो देखिए क्या है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस है, ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी कोस प्लस है, आंसर क्या हो गया जीरो। तो इसको मैं ऐसे करूं आर डॉट वी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब मेरा आर और वी एक दूसरे क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है, वेग और अच्छा त्वरण है, तो आगे चल इसको फिर एक बार अवकलन कर, तो त्वरण निकालना है तो देख इस dv / dt का फिर एक बार अवकलन कर, तो देख फिर माइनस भार आएगा, तो ये क्या हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर, कोस का क्या होगा साइन का क्या होगा कोस ओमेगा टी, ये तेरा एक्स कैप। अब या फिर देख कोस का तू लेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप। अब देख डियर एक बार पेज खाली करना, अब आप इसमें यहां देखो तो ये अल्फा बोल दो इसको बोलने में, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया ए बोल दो, चलो ए ए इक्वल टू क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, आप बाहर निकाल लो ये क्या बन गया है कोस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप, ये कोस पे पैक कर दो। तो आप पूरी बात देखो, देखो आर क्या है, दिखाना कुछ दिखा कर दो, आर है दोस्तों आगे चल, आर है कोस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे के वाई कैप। अब देख ले, ये आर है, ये वी है और ये ए है। अब तेरे सामने देख इस आर और ए को तो मल्टीप्लाई करेगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आया कोस स्क्वायर थीटा,
ये क्या आया साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में ये तो माइनस का सिर्फ बाहर पड़ा है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो एक हो गया, जीरो नहीं हुआ ना। तो वो लंबवत एक ध्यान रख देंगे बस। तो लंबवत आ जा, अब क्वेश्चन आ जा भैया। तो दोस्तों आपके सामने सामने है वेग और त्वरण लंबवत है, वेग और त्वरण दोनों आर के लंबवत हैं, ये बात है गलत हो गई। वेग और त्वरण दोनों आर के समानांतर हैं, ये बात भी गलत हो गई। वेग आर के लंबवत है तो त्वरण मूल बिंदु की ओर है, मूल बिंदु क्यों, याद रखो माइनस ओमेगा स्क्वायर आया था, माइनस इस बात को इंडिकेट करता है कि दिशा किधर है उसकी, ओरिजिन पॉइंट की ओर है। आंसर क्या हो गया थर्ड, वेग आर के लंबवत है त्वरण मूल बिंदु ना दूर की ओर, आंसर क्या हो गया तीसरा, शायद बहुत करेक्ट हो गया। इसमें एक बात मुझे अचानक याद आ गई, ऐसे बोलो जैसे प्रोपेस जो अपने ये एक तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जांपल है वही है। हाँ, ऐसा चला है बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जैसे मान लो कोई पार्टिकल है वो किसी इंस्टेंट में यहाँ था और यहाँ से यहाँ पहुंच गया, सही है, और उसका कोणीय वेग है वो है कांस्टेंट ओमेगा, सही है। तो मान लो यहाँ पहुंचे उसने कितना कोण बनाया, तो अपन जानते हैं ओमेगा इक्वल टू जैसे थीटा, ओमेगा इक्वल टू आपको होता है थीटा बाई टी, थीटा हो गया ओमेगा इनटू टी हो गया, ये आपको ओमेगा टी एंगल हो गया। मान लो इसको मैं इकाई मान लूं, अब इकाई वन हो टू कुछ भी हो सकता है, सही है। इसके अपन कंपोनेंट करेंगे तो ये आपका एक्स और ये वाई, तो एक्स कितना आ गया वन, यस वन कोस ओमेगा। देखो भाई यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जवाब आता आगे दोस्तों, बेसिक फंडा है, सबसे पहले होता है डिस्प्लेसमेंट, फिर उसको एक बार आप अवकलन करते हैं तो आती है वेलोसिटी, और दोस्तों उसके बाद वेग को एक बार डिफरेंशिएट कर दो या डिस्टेंस को दो बार डिफरेंशिएट कर दो, ये दोस्तों आ जाएगा एक्सीलरेशन। उल्टा चलो इसको करो इंटीग्रेट, इसको करो इंटीग्रेट, ये वनडे बहुत काम आएगा, ये मूल कॉन्सेप्ट है। वेग विस्थापन बोल दो, इसका एक बार अवकलन करो वेलोसिटी आएगी, दो बार कर दो एक्सीलरेशन आ जाएगा। वो सेम बात कहां काम आती है अपने एसएचएम में, जैसे बताऊं मेरे दिमाग बात आ गई, आपको जानता है दिस इज इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ओके वी इक्वल टू क्या होगा डीवी बाई डी टी, ये क्या होगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। दोस्तों ए क्या होगा डीवी बाई डी टी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, देख करके ए साइन ओमेगा टी क्या है वाई है, इसको तो अल्फा बोल दिया, कंफ्यूजन हो, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया ये ओमेगा स्क्वायर, ये देख माइनस ओमेगा स्क्वायर है, भूल गए क्या, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई, आता नहीं याद। तो एसएचएम में क्या होता है त्वरण डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और माइनस इस बात को शो करता है कि उसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, ठीक है डियर, थैंक यू। आगे चलो 27 हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट ये निम्नलिखित में सही कथन क्या है, देखो भाई When the coordinate axes are translated, the component of vector in plane changes. जब निर्देशांक अक्ष बदले जाते हैं तो समतल में स्थित सदिश के घटक भी परिवर्तित हो जाते हैं, इसका कोई लेना नहीं है। जब निर्देशांक अक्षों को किसी कोण से घुमाया जाता है तो सदिश के घटक परिवर्तित होते हैं, लेकिन सदिश का परिमाण नियत रहता है, मेरे हिसाब से बात है सही होगी। तीसरा है ए और बी का योग आर है, केवल ए का परिमाण बढ़ाया जाए तो बी व आर के बीच का कोण कम होता है, कोई मतलब नहीं है। 3i और 4j का सदिश गुणनफल कितना है 12 है, ये भी गलत है, तो आंसर सही क्या हो गया भैया सेकंड हो गया, मेरे हिसाब से थ्योरी का ठीक सा प्रश्न है, ओके डियर थैंक यू। आ जाओ लास्ट में कितना इजी क्वेश्चन आ गया 5, ये देखो लड़के बिड़ो इधर देख, ए ये बना 5 न्यूटन और ऊर्ध्वाधर 60 डिग्री, ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री ना बदमाशी नहीं, इधर से कितना हुआ 30 डिग्री, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा 5 cos 60, 5 बोलो किशोर बोलो बेटा 5 cos 60, cos 60 क्या होता है 1/2, आंसर क्या है दोस्तों इसका 2.5, दाना भैया लेवल बहुत काम की इसकी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आखिरी क्वेश्चन है सदिश ए एक्स वाई जेड जेड एक्स के साथ समान कोण बनाता है, ए अक्ष के साथ वाई के साथ जेड के साथ समान कोण बनाता है, क्योंकि घटकों का मान जहां से मैंने क्लास स्टार्ट की थी कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, अल्फा बीटा गामा 1 है, तो दोस्तों ये हो गया 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये हो गया पुत्रों कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, तो आपके सामने कोस अल्फा का मान आ गया 1/√3, कोस अल्फा का मान आ गया 1/√3, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा ए बाई
जहां से क्लास स्टार्ट की थी। थैंक यू किशोर सर, उसी क्वेश्चन में लाके आपने क्लास खत्म कर दी। तो ये वेक्टर के बारे में हमें आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। आज हमारा सेकंड गुरु नीति का वीडियो कंप्लीट हो गया। कल हम दोस्तों बात करेंगे 1D एंड रिलेटिव ओशन, 1D और रिलेटिव ओशन की। ओके डियर, तो आप देखते रहे इसको सेल्स सीकर के यूट्यूब चैनल पे, और दोस्तों सेल्स सीकर के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पेज पे मैं डेली शाम को 6:30 से लाइव आता हूं, आप मुझे वहां सुन सकते हैं। रिपीटर्स के सेपरेट बैच हम लोग शुरू कर चुके हैं। सीकर में एक बहुत अच्छी सी हॉस्टल की व्यवस्था में साथ हम लोग स्टूडेंट करते हैं। आप CLC परिवार .in हमारी वेबसाइट है, वहां विजिट करें, आप आए देखें। दोस्तों निश्चित रूप से CLC बहुत अच्छा काम कर रहा है अपना, नीट और जी दोनों बच्चों के लिए। थैंक यू। जय CLC।